तो टाइटल और थंबनेल देख के आप सभी को पता चल ही गया होगा कि आज हम क्या बनाने वाले हैं। तो अक्सर आपके साथ भी ऐसा कभी ना कभी हुआ ही होगा कि जो आपकी केबल होती है वो पूरी तरह से पंचर हो जाती है, तो आपको जो है पूरी की पूरी केबल निकालना पड़ता है। अगर आप जो है लाइट डिटेक्टर जो है ऑनलाइन परचेज करना जाएंगे तो उसकी प्राइस जो है बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। हालांकि जो है लाइट डिटेक्टर जो है 30 रुपये के अंदर बनकर रेडी हो जाता है। अगर आप ऑनलाइन ख़रीदना चाहते हैं तो मैं नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में जो है उसकी लिंक दे दूँगा। तो आपको कुछ इस तरह से दो ट्रांजिस्टर ले लेना होगा। मैं जो यहाँ पे नंबर शो कर दूंगा स्क्रीन पर, दो ट्रांजिस्टर लेना होगा। तो जो है आपको एक वाले ट्रांजिस्टर को लेना है और उसकी साइड में जो है इस तरह से कट लगा देना है, और दूसरे वाले को भी उसके जो है अपोजिट ही वैसा ही कट लगाना है, सेम टू सेम कुछ इस तरह से जो है आपको कर लेना होगा। फिर वो जो दूसरा ट्रांजिस्टर है कुछ उसको जो बीच वाला सिरा है कुछ इस तरह से जो आपको एक साइड में मोड़ देना होगा, और दूसरे वाले ट्रांजिस्टर को जो उसके अपोजिट यानी कि आमने सामने दोनों को इस तरह से मोड़ देना होगा कुछ इस तरह से। तो चलो अब इसके ऊपर जो है हम शोल्डरिंग कर लेते हैं। आपको कुछ इस तरह से जो दोनों को शोल्डरिंग कर देना होगा, इस तरह से आपको शोल्डरिंग कर देना है। और फिर हम एक किले के ऊपर कुछ इस तरह से जो है तार को गोल गोल लपेट के जो है स्प्रिंग बना लेंगे कुछ इस तरह से, जो आपको एक स्प्रिंग बना लेनी होगी। और फिर लेंगे वो ट्रांजिस्टर, और ट्रांजिस्टर के जो है साइड वाला एक हिस्सा है उसको इस तरह से मोड़ने के बाद जो है इसके ऊपर जो है इस वाली स्प्रिंग को कुछ इस तरह से लगा देंगे। तो इसके लिए भी हमें शोल्डरिंग करना होगा, कुछ इस तरह से शोल्डरिंग कर देते हैं हम। और फिर लेंगे हम रेड LED बल्ब, आप चाहे तो दूसरा भी ले सकते हो लेकिन रेड LED बल्ब अच्छा होगा। तो जो बाद में जो लास्ट वाला ट्रांजिस्टर है उसके ऊपर जो हम इसे शोल्डरिंग कर देंगे। और फिर लेंगे 3.7 वोल्ट की बैटरी। तो सबसे पहले जो है जो बल्ब लगा हुआ है छोटा सा LED उसके जो लास्ट वाला हिस्सा है उसके ऊपर हम जो है इसे शोल्डरिंग कर देंगे। और फिर दूसरी वायर लेंगे हम, उसे जो है बीच में कुछ इस तरह से आपको शोल्डरिंग कर देना होगा। तो शोल्डरिंग करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो चलो हम इसे थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। तो ये जो ट्रांजिस्टर है जो बाद में साफ करने के बाद कुछ इस तरह से दिखाई देता है। तो चलो अब एक बोर्ड लेंगे टेस्ट करने के लिए। तो सबसे पहले इसके अंदर डालते हैं प्लग, ऑन ऑफ करने पर जो है लाइट बिल्कुल भी नहीं जल रहा है। तो अब जो है ट्रांजिस्टर के अंदर जो छोटा सा LED बल्ब लगा हुआ है तो जहाँ तक करंट सप्लाई करेगा वहाँ तक ही जलेगा, और आगे करंट नहीं है इसकी वजह से वो जलेगा नहीं। तो आपको दिखाने के लिए जो है हमने इस वाली वायर में कुछ यहाँ पे छोटा सा एक कट लगा रखा था।